हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो गया है 11:30 और अब यहाँ से निकलना है मुझे वॉलमार्ट। तो कुछ शॉपिंग कर लेता हूँ क्योंकि आज वीकेंड है और छुट्टी भी है, असाइनमेंट्स भी पूरा हो चुका है। तो सोचा चलो आज वॉलमार्ट में आप लोगों को प्राइस दिखा दूँगा। तो दोस्तों टाइम हो गया है 12:45 और यहाँ से अब चलेंगे वॉलमार्ट और एक डॉलर्स ट्री करके एक है शॉप, वहाँ पर भी चलेंगे। तो सुना हूँ कि बहुत सस्ता सामान देता है वहाँ पर, $1.25 का मिल जाता है सारा चीज़। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं प्राइसेस, क्योंकि कल तो टारगेट में थोड़ा सा महंगा था सामान सब। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये डॉग्स के लिए है मेनली, जिन्होंने डॉग पाला है तो वो यहाँ पे ले जाके उसको पॉटी करवाइए और खुद से ही खाके। तो वहाँ पे सेक्शन बना हुआ है जो डस्टबिन है उसमें आप पॉटी को डिस्पोज कर सकते हैं, आपको खुद से ही करना पड़ता है यहाँ पर ये सब चीज़। और अब यहाँ से आधा किलोमीटर के रेंज में लिफ्ट का एक स्टेशन है। और ये देखिए ये कम्युनिटी का एक गेट है, तो अगर आपको यहाँ से निकलना है तो यहाँ पे आप इस की से खोल सकते हैं। ये सारा की आपको दिया जाता है तो, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर से खुलता है इसलिए बाहर से खोलना पड़ेगा मुझे। तो आज उठाएँगे ये साइकिल। और कल के ब्लॉग में मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ये यहाँ से कोई चुराता नहीं है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉक है, यहाँ पे लॉक रहता है। जब इसको ऐप पे डालेंगे और स्कैन करेंगे इस रोड को, उसके बाद ही ये खुलता है, वरना ये लॉक रहता है इस स्टेशन में। ये देख सकते हैं बहुत सारा स्टेशन में लॉक साइकिल है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये साइकिल का वे है, कितना सुंदर है। इस पर आप सिर्फ साइकिल चला सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए ये कुछ घर है यहाँ पे और ये रोड क्रॉस कर फिर से वही वाला रास्ता शुरू हो जाता है यहाँ पे। ये कुछ कुछ घर देख सकते हैं, कहीं कहीं पे रोड पे बना रहता है साइकिल का वे, लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ। और ये देखिए यहाँ पे बहुत लोग गाड़ी में एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ लेते हैं, जिस तरह से ट्रॉली। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, अभी हरा भरा दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ दिन में सब पत्ते झड़ जाएंगे और सिर्फ ये लगेगा जैसे पूरा सूख चुका है इस तरह से। पर हाँ, स्नो जब गिरेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। देखिए फेडेक्स का यहाँ पे डिलीवरी है, डिलीवरी वाला वैन। ये देखिए इसको इस तरह से डालते हैं, यहाँ पे देखिए लॉक फंस जाएगा और ये लॉक हो गया, ये ग्रीन लाइट जल गया मतलब लॉक हो चुका है। मैकडोनल्ड्स यहाँ पे जनरली लोग कार पार्किंग रोड पे ही करते हैं, साइड में जो जगह है वो रोड पे पार्किंग के लिए ही, कुछ कुछ जगह पे फ्री रहता है। कहीं कहीं पे वो देख सकते हैं आप, ये कार के पीछे जो एक टी जैसा ब्लैक कलर का जो बना हुआ है उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। वो देखिए डॉलर ट्री, यहीं पर मुझे जाना है, पहले जाना है। और ये बर्गर किंग भी है यहाँ पे बगल में, ये देखिए डॉलर ट्री किस तरह से भरा हुआ है पूरा सामान सबसे। और देख सकते हैं ये सब जितना भी चीज़ है सब $1.25 का है, एक तरह से हर एक माल है, ये हर एक माल ₹1.25। और जब भी मैं रुपया बोलूं तो आप लोग समझ लेना उसको कि डॉलर है। अब आदत है कि हमेशा से रुपया बोलने का, तो यहाँ भी अब डॉलर को डॉलर बोल नहीं पाता हूँ। तो वही है, देखिए हेलोविन का सामान सब यहाँ पे, फूल पत्तियाँ यहाँ पे है, ये ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह है वहाँ पे। देखते हैं आप लोग, ये सब हीलियम वाला बैलून है, सब ऊपर उड़ा हुआ है जितना भी आप देख सकते हैं, तो आपको जो लेना है आप उठा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ देख सकते हैं, शायद ये ग्रीटिंग कार्ड से है जो $1 में मिल रहा है सारा ऊपर वाला। और उधर तो कुछ है जो $2 for $1, मतलब दो मिलेगा आपको $1 में। ये देखिए प्लास्टिक का टॉम वगैरह सारी वाइन ग्लास है, ये भी $1.25 का है। देखिए
ये मैंने ज्वेल उसको में $5 का ख़रीदा था। ये बैग्स वगैरह है किसी को गिफ्ट करना हो तो। ये लॉन्ड्री फ्री वाश वाला भी $1.25 में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता है सामान, सब $1.25। ये देखिए कुछ पेंट वगैरह का आइटम है यहाँ पे, कलर्स वगैरह है, क्राफ्टिंग अगर करना है आपको। ये है, ये फ़ोटो फ्रेम देख सकते हैं $1.25 का। ये भी है, ये भी $1.25 का फ़ोटो फ्रेम। ये काफ़ी अच्छा अच्छा फ़ोटो फ्रेम्स है। यहाँ से एक नोटबुक उठाना है, एक क्या मतलब दो उठा लेता हूँ, ज़रूरत पड़ते रहता है नोटबुक का। तो देखिए क्यूट सी बच्ची है। ये देखिए बॉडी वॉश वगैरह है यहाँ पे, क्रीम्स वगैरह है, साबुन है, डायपर वगैरह सब $1.25। हैंड सॉप, चाकू वगैरह है, विस्कर है। देखिए किचन यूटेंसिल्स है यहाँ पे, कप है, प्लेट है, टिश्यूज वगैरह है। देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है ये, लेकिन ठीक है, 120 रुपये के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए लूफा वगैरह है, शोकेस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनर वगैरह सब है, सब $1.25। देखिए कुछ खाने का आइटम्स है यहाँ पे, सब $1.25। आइसक्रीम वगैरह है यहाँ पे, चॉकलेट्स है, नगेट्स है। देखिए डब्बा काम आएगा मुझे, आटा रखने के लिए चाहिए था। और एक ये भी है काम का, आटा गूंथने के लिए। तो एक ये और एक ये लगेगा। तो फाइनली दोस्तों शॉपिंग हो गया है, और ये देखिए भर गया पूरा सामान। और मजाक में बहुत ज़्यादा सामान ले लिया हूँ, सस्ता था, ठीक है। वैसे बहुत दिन तक अब काम चलेगा, बहुत सारा सामान ज़रूरत था पर ले नहीं पाया था अभी तक। तो दोस्तों यहाँ से 0.1 miles पे ही है वॉलमार्ट, तो सोचे उसमें भी घूम लेते हैं, थोड़ा देख लेंगे क्या है सामान वगैरह सब, क्या है कितना दाम है वहाँ पर। यहाँ पर तो बहुत ही सस्ता था, हमको नहीं लगता यहाँ से सस्ता अब नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है एक बार राउंड मार लेते हैं जब आए ही हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर घर है ये। ये शिकागो का जो मेन एरिया है, ये सब सब में आपको घर थोड़ा कंजेस्टेड मिलेगा भाई। आप यहाँ से 50 किलोमीटर्स 60 किलोमीटर्स और अंदर जाइएगा तो उधर विलेज साइड पड़ता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा घर जिसमें लंबा लंबा प्लॉट्स रहता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा अच्छा घर सब है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं वहाँ पे वॉलमार्ट है। तो ये देखिए वॉलमार्ट का एंट्रेंस, यहाँ पे ब्रेड वगैरह मिल रहा है, सब्जी वगैरह है। 38 सेंट में नींबू है, 63 सेंट में यहाँ पे बड़ा वाला नींबू मिल रहा है, 1.34 में दे रहा है 467 ग्राम 1 LB के अराउंड। ये वाला प्याज, ये टमाटर है 98 सेंट्स का 1 LB। एवोकाडो जो है 88 सेंट में दे रहा है, ये देख सकते हैं 1 पीस। ये बड़ा वाला टमाटर है। ये देखिए यहाँ पे कद्दू मिल रहा है, और ये छोटा छोटा कद्दू है पैक बना हुआ, ये 3.48 में दे रहा है ये पैक। ये नारंगी देख सकते हैं 93 सेंट में 1 दे रहा है, और ये सेब जो है दे रहा है 2 रुपया 12 पैसा में। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सेक्शन बाई सेक्शन। ये चीज़ वगैरह है, मीट वगैरह है, यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब है। प्रीमियम कलेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे घी मिल रहा है, ये छोटा सा डब्बा 8.28 का। ये सब तेल सब है, छोटा सा डब्बा है। तो दोस्तों मैं साइकिल चला रहा हूँ, देख लीजिए ये रहा साइकिल। और वॉलमार्ट में भी थोड़ा कुछ शॉपिंग कर लिया हूँ,
कुछ कुछ सामान जो था खाने पीने का वो वॉलमार्ट में से भी उठा लिया। तो कुल मिला के ठीक है, मतलब वॉलमार्ट में भी सामान ठीक ठाक दाम पे मिल जाता है, लेकिन जो डॉलर ट्री था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सस्ता था। और एक रास्ते में मुझे मिला फैमिली डॉलर्स करके, वो तो और भी सस्ता था, $1 भी दिख रहा था, लेकिन अब वो नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। आज बहुत सारा शॉपिंग हो गया, तो देख सकते हैं ये दोनों थैली भरा हुआ है, ये पीछे बैग पूरा भरा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं घर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।